प्रथम सुमिर गिरिजा शोभन करी पात्री गणेश भारत जी कृपा करो गाथा कहे बिके। हाँ साथियों, आइए उज्जैन के रहने वाले महाराज भर्तृहरि के जीवन की ओर। एक बार महाराज भर्तृहरि महारानी पिंगला बैठे हुए हैं, तो महाराज भर्तृहरि भोजन कर रहे हैं तो पिंगला अपने पति को देख करके हंस गई। जब पिंगला हंसी, वैसे महिलाएं हंसती तो हैं लेकिन हंसने के भी अलग अलग कारण होते हैं, पिंगला से महाराज भर्तृहरि ने पूछ लिया, पिंगला बिन बात के आज तुम्हें हंसी कैसे आ गई? बोले महाराज भर्तृहरि पिंगला, मैं पूछ रहो तो कौन तू बतलाए रे मोको, मैं पूछ रहो तो पिंगला आज हंसी तो ही कैसी आई है, मैं पूछ रहो तो कौन तू बतलाई रे मोको। महाराज भर्तृहरि की रानी पिंगला ने कहा, स्वामी हंस गई तो इसमें कौन सा बड़ा पाप पहाड़ टूट पड़ा? जवाब दिया पिंगला, हंसती तो तुम रोज हो लेकिन आज का हंसने का तरीका तुम्हारा अलग है, बताओ। समझ आई दे प्राण प्यारी, हाँ प्यारी, बोले हे कौन बात जो हंसी गई नारे हमारी, मती करे घाट अरे मोह पे आई बात क्यों छुपाई रही है, बिना बात पिंगला आयो हंसी तो ही कैसी आए रही है, मैं पूछ रहो तो कौन तू बतलाई दे मोको। और बोले मेरी नारी गई मुसिकियाई मुसिकियाई, अरे पिंगला हसवे में बात समझ ना आई, मोई धीरे भेद बताए कहते समझ आए मेरे ही।
बात राहुल आज हंसी तुम्हें कैसी आई है मैं बतला मैं पूछ रहो तो कौन तू बतलाई दे मोको पूछ लिया महाराज भर्तरी ने पिंगला आज तुम्हें हंसी क्यों आ गई। तो महारानी पिंगला अपने पति से बोली सैया महिलाएं तो अक्सर हंसती रहती हैं तुम मेरे पति हो अगर तुम्हें देख करके मैं हंस गई तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। कौन सी? तुम एक काम करो तुम जानने की कोशिश मत करोगे मुझे हंसी क्यों आ गई वरना तुम्हारे लिए सही नहीं है। जवाब दिया सही हो चाहे गलत हो लेकिन हमें ये पूछना है कि आखिरकार तुम्हें हंसी आई तो आई क्यों। पूछोगे? हाँ तो एक काम करो। कौन सा? मेरी छोटी बहन कौशलपुर में रहती है उसकी शादी कौशलपुर में हुई है और उसका नाम है इंगला। इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं जानती लेकिन मेरी बहन छोटी जो मुझसे है इस प्रश्न का जवाब वो जानती है। एक काम करो तुम चली जाओ। चले जाओ। महाराज ने देर नहीं की राहुल भैया अरे घोड़ा की करी रे यस अपनी साली के नगर में जाने के लिए घोड़े को तैयार किया। महाराज चले महारानी इंगला ने दूर से हुए आते अपने जीजाजी को देखा जवाब दिया जीजाजी रुक जाओ हमें पता है इतनी जल्दी में तुम कहां से आए और कहां जा रहे हो। हाँ बताओ मेरी बहन तुम्हें देख के हंस गई तुम उसी बात का जवाब ढूंढने के लिए आए हो कि हाँ। महाराज भर्तरी को एक झटका सा लगा कि मेरी रानी वहां हंसी लेकिन इसे यहां कैसे पता चला। कोई बात नहीं महाराज भर्तरी ने अपनी रानी पिंगला की बात बताई कि इंगला तुम्हारी बहन मुझे देख करके क्यों हंसी। तो महाराज भर्तरी ने एक बात कही है सुनाएंगे। मैं पूछ रहो तो कौन तू बतलाई दे मोको जवाब मिल जाएगा जीजाजी पर रुक जाओ।
तोमा आए हो प्रश्न यह ले, हाँ यह लेकर राहुल और एक उत्तर मिल जाएगो, भोजन कर लो पहले। जवाब दिया तुम जीवता, भोजन भोजन तो बाद में होगा, तुम्हारी बिना हंसी तो काय को हंसी। जवाब दिया जीजा कैसी बात कर दी, मेरी कई बहन मुसिकाई मुसे काई। तो जीजा और एक जीजा हसवे में, अरे कौन सी लगे बुराई जीजा। महाराज भर्तृहरि बोले, हे कौन राज बतलाई दे, आज मेरे दिल में समाई है, बिना बात इंगला आज हसी तो ही कैसी आई है। मैं पूछ रहो तो तू बतलाई दे। बताओ कि आखिरकार तुम्हारी बहन हंसी तो काय को हंसी। जवाब दिया जीजा मान जाओ मत पूछो। जवाब दिया नहीं साली साहिबा, तुम्हें बताना तो पड़ेगा कि तुम्हारी बहन हंसी तो काय को हंसी। जवाब दिया मानोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। पूछोगे, हाँ पूछूंगा। तो एक काम करो जीजा, अब देखो सुनो, तुम्हारे प्रश्न का जवाब उत्तर में तुम्हें दे रही हूं, समझ पाओ तो समझ लेना। अरे आजू शाम को जीजा जी, राहुल भैया मैं सुंदर बेटा जाऊंगी। सुनो जीजा जी, आज शाम को बेटे को जन्म दे की जीजा, मैं स्वर्गीय लोक को जाऊंगी। लेकिन जीजा सुनो, तुम्हारा उत्तर शुरू हो गया है, हम स्वर्ग लोक में चले जाएंगे, अपने बच्चे को जन्म दे जाएंगे, लेकिन हम तुम्हें मिलेंगे कहाँ, ये सुनो। राजा बीर नर के यहाँ पे मैं बेटी बन के आ,
18 साल बाद जीजा जी जाई घर में पाप सयाऊंगी। अबे तो मर जाएंगे लेकिन 18 साल बाद इसी बच्चे के साथ में दुल्हन बन के आऊंगी, तब मैं तुम्हारा जवाब दूंगी कि मेरी बहन हंसी तो काय को हंसी। इंतजार करियो तुम जीजा, मैं प्रसन्न तुम्हें बतलाऊंगी। अरे ढोल का राहुल बजाता रहियो, सुनो जीजा जी, इस जन्म में तो नहीं, अब वही हुआ। महाराज भर्तरी तो मजाक समझ रहे थे, शाम को एक बच्चे को जन्म दिया और महलों में बधाई बज रही है, तब तक रानी का स्वर्गवास हो गया। छोटी रानी इंगलिया मर गई, जब इंगला मरी तो महाराज बीरेंद्र जी के यहाँ पर एक लड़की का जन्म लिया है, और ठीक 18 साल बाद उसी इंगला का लड़का जब शादी के योग्य हुआ तो महाराज बीरेंद्र ने अपनी लड़की की शादी उसी लड़के के साथ करी। जब शादी करी, अब शादी में इधर महाराज भर्तरी भी गए, जब शादी महाराज भर्तरी गए तो महाराज भर्तरी को अपने जवाब की चिंता है, तो दुल्हन के पास पहुंच गए। तो वो दुल्हन कहने लगी, कौसर अब हम तुमसे जीजा कहें या ससुर साहब करें, का कहें बताओ। तो महाराज भर्तरी बोले, तुम कहो चाहे कछु लेकिन हमारे उत्तर दे दो कि मेरी पत्नी तुम्हारी बहन हंसी तो काय को हंसी। कोई बात नहीं, जवाब दिया महाराज, सुनो उत्तर लेना चाहते हो ना। अरे पहले जन्म की बात है जीजा, जब तुम बाके ओतारी और जा जन्म में मेरे जीजा बन गई त्यारी नारी। जीजा उत्तर तुम्हारा तुम्हारे सामने आ गया लेकिन तुम समझ नहीं पाए। जिस तरीका से ये मेरा पुत्र है, इस पुत्र के साथ में दुल्हन बन के आई हूँ, उसी तरीका से ये अगले जन्म में वो तुम्हारी माँ थी और तुम उसके पुत्र थे, लेकिन वो खत्म हो गई उसके बाद में तुम्हारे साथ उसकी शादी होकर के आई है। ये है तुम्हारा जवाब, वो तुम्हारी माँ है इसलिए तुम्हें भोजन करते वक्त वो हंस गई, बस इतना कारण था। महाराज भर्तरी को वैराग्य उत्पन्न हो गया। छोड़ी राजपाट बन को चले गए, अरे सुनो ध्यान रे भाई, अरे जैसी कथा लिखी मेरे गुरु जी ने मैं वैसी कथा सुनाई। अरे पूर्व जन्म के कर्मों से नर देही प्राणी पावे, और वादा कर कि राम भजन को जीव जगत में आवे।
भेजा, बस इतना कारण था। महाराज भर्तृहरि ने अपनी राजपाट को छोड़ा, उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। एक जगह प्रमाण आता है महाराज भर्तृहरि, वो अश्वपाल वाला मैटर आता है, और देखो अगर, और एक जगह ये प्रमाण मिलता है जो मैंने कैसेट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया है, और इस कथा की लेखनी की है हमारे परम पूजनीय गुरुदेव पंडित भारत शास्त्री जी जो अलीगढ़ वाले हैं, उनने इस कथा को लिख करके हमें दिया है, तो कोई भी गलती बनी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। अरे भाई कथा निज पूर्ण ध्यान ने सुनावे ने भाई, अरे भूल चूक मेरी माफ व्रत तुम करियो हर साई, और साथ साथ हमारी संगति करते हैं। अरे के राहुल ढोलक चटकावे, अरे फिरोजाबाद के रहने वाले संग मेरे धावे, कैसेट के निर्माता हैं माननीय श्री देवेंद्र कुशवाहा जी जो नगला कल्याण हाथवंत के रहने वाले हैं। अरे कैसो सोइया लहरा देवरिया रात वता से वट गए, सोइया